ये सबसे मेन था अंदर में, पैलेस ऑन व्हील्स दिखाना था आप लोगों को। ये आ गया देख लो, यहाँ का फेमस मटकी पनीर भाई। स्टाफ भी यहाँ का सब बहुत अच्छा लगा, सही बात है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देता कि मतलब कि चलो आपका खाना हो गया, निकलो अब यहाँ से। और यार यहाँ पे क्या फोटो आ रहा है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। आज है गोरखपुर में मेरा दूसरा दिन, और आज का मॉर्निंग का शुरुआत हुआ है अपने होटल से, और काफी लेट सोकर उठा है भाई, काफी लेट, क्योंकि कल हम लोग चले गए थे ये क्रूज राइड के लिए। अभी भी देख लो मेरे हाथों में लगा हुआ है ये, और भाई काफी लेट हो गया निकलते निकलते। लगभग 10:30 या 11 बजे तक हम लोग रात में निकले थे, फिर इधर उधर घूमते घूमते होटल आए, तो काफी लेट होटल पहुंचे, इसलिए लेट सोए तो लेट उठे भी। और आज का कुछ प्लान का पता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी सोकर उठा है, अभी एडिटिंग पे लगेंगे, देखते हैं एडिटिंग कितने देर में कंप्लीट होता है, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे आपको। सुबह सुबह उठते ही हम लोगों ने कॉफी एंड चाय ऑर्डर कर लिया अपना, वो भी आ गया, वो दिखाते हैं आपको। तो देख लो ये अपना कॉफी, ये मेरा कॉफी है, चाय आ चुका है, और वही हम लोग कल गए थे ये क्रूज राइड के लिए। क्या है लेक क्वीन क्रूज, इसका एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है अपने वीडियो में, जाके चेक कर लेना आप लोग इसके पहले वाला वीडियो। वैसे टाइम देख लो लगभग 11 बजने वाला है, अभी हम लोग सोकर उठे, अभी चाय आ रहा है अपना। फिर अनुभव को भी पूछते हैं भाई आज क्या कवर करना है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, जैसा मेरा आगे का अपडेट रहता है मैं आपको देता हूँ। थोड़ा मैं भी फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, उसके बाद मिलते हैं। चलो जी अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से रेडी होकर, मस्त रेडी होकर। बाहर धूप है, इतने दिनों बाद हमको धूप देखने को मिला, इसलिए ग्लासेस भी ले लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग वैसे निकल गए ओरियन मॉल, ओरियन था ना। अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं जिस भी किसी सिटी में जाता हूँ मॉल जरूर विजिट करता हूँ मैं। दिन का शुरुआत हम लोगों ने मॉल से करा है, फिर देखो दोपहर में कहाँ लंच करते हैं, रात में कहाँ डिनर करते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। ये अभी हम लोगों ने अपने होटल से ले लिया है टोटो टुक टुक जो भी बोल लो आप। ज्यादा नहीं हमारे होटल से, कि 2 या 2.5 किलोमीटर दूर था, तो पास में ही है समझो तो। ये वाला पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया है पूरा। वैसे ये देख लो गोरखपुर की सड़क है भाई, एक बात तो बोलना पड़ेगा, पूरा यूपी में हम लोगों को रोड्स बहुत बढ़िया मिले हैं। रोड्स तो आजकल तो कहीं भी आप जाओ अच्छे ही मिलते हैं, मैक्सिमम जगह अच्छे मिलते हैं। चलो जी आज के अपने पहले लोकेशन पे पहुंच गए ओरियन मॉल। एक बार तो मैंने विजिट करा था, याद नहीं आ रहा कब। नहीं यहाँ भी आए, यहाँ भी आए। तुमको क्या लग रहा है हम गोरखपुर क्या पहली बार दूसरी बार आ रहे हैं क्या? केएफसी वगैरह सब कुछ अंदर में, बाहर बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं भाई। देख लो हमारा यही है, आपको ही पता है मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ वहाँ का मॉल जरूर विजिट करता हूँ मैं। वैसे मेरे पास दो मॉल का ऑप्शन था, एक ओरियन और एक एडी मॉल। एडी मॉल मैंने लास्ट टाइम विजिट करा था, ठीक है अभी ओरियन में आ गया है। और हम लोगों से मेरा मतलब है यहाँ पे वापस है अनुभव, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कल वाला एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना है, कैसा लगा था? ठीक था, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है। सर्दी भी हो गया बेचारे को, और प्रतीक्षा भी ज्वाइन कर लिया हमें, लवली तो खैर है ही हमारे साथ। बाकी अपने दो फैमिली मेंबर भी आए हुए हैं, नाम बता दो अपना। अमृत, अमृत मनिका। तो चलो अभी सब मिलकर कुछ बता रहे हैं कहाँ कहाँ हम लोग कवर कर सकते हैं। क्या रेस्टोरेंट हमें एक बताया आपने, हजरतगंज। हाँ रंगरेजा मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंड करा, बेस्ट प्लेस है रंगरेजा गोरखपुर का। चलो ठीक है भाई आपके कहने पे विजिट करते हैं आज उसको। तो बाकी हम लोग का आज ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो सोचे चलो मॉल में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो यही सभी है। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा गपशप करते हैं, गॉसिप करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, गर्मा गर्म खाना उसको कम्प्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं। खाने पीने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेल म्यूजियम। भाई बहुत दो कमेंट आ रहा था मोहित में, एक बार रेल म्यूजियम विजिट करो। मैं विजिट किया हूँ, वापस से वीडियो के लिए करता हूँ फिर से। यहाँ से वैसे देख लो गोरखनाथ मंदिर बस 5 किलोमीटर दूर है। चलो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेल म्यूजियम। ये रहा देख लो रेल म्यूजियम, पूर्वोत्तर रेलवे। टिकट प्राइस यहाँ पे प्रवेश टिकट 2 घंटे के लिए मान्य है 20 रुपये, 5 साल से। टॉय ट्रेन के लिए 10 रुपये अलग से लेना पड़ेगा। चलो 20 रुपये करके टिकट है, टिकट लेते हैं पहले। ये देख लो जी 20 रुपये करके हम लोगों ने टिकट ले लिया है। वैसे यहाँ पे टॉय ट्रेन भी आपको मिल जाएगा, ऐसे कुछ पार्क है। मेरे को ढूंढना है वो एक रेस्टोरेंट है, ट्रेन रेस्टोरेंट, वहाँ जाते हैं। मुझे याद है हमारा एक फोटो भी होगा वहाँ पे, मैं ट्राई करूंगा वो फोटो अपलोड करने का अगर मिल गया मुझे तो। म्यूजियम के अंदर अभी हम लोग आ गए, एक्चुअली म्यूजियम अंदर की तरफ है, एग्जैक्ट इसी जगह में हमारा एक फोटो होगा, फैमिली के साथ ही फोटो, पता नहीं मिलेगा तो मैं लगा दूंगा शायद। इसी जगह में मैंने कहीं लिया था। अब वो रेस्टोरेंट पता नहीं कौन से साइड में, उधर है क्या भाई साहब? सामने की तरफ देख लो मुझे क्या दिख रहा है, पैलेस ऑन व्हील्स। मेरे को तो भाई इसके अंदर ही खाना है। ये एग्जैक्टली यही कोच है जो मैं बता दूं राजस्थान में चलता है, पैलेस ऑन व्हील्स। अरे यार मेरे को इसमें जाने का बहुत मन था, लेकिन अफसोस बंद है अभी। एक ड्रीम है मेरा इस ट्रेन में जर्नी करने का, लेकिन अफसोस इंडियन के लिए मतलब रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते है ये। टिकट वगैरह तो चलो खैर यहाँ वहाँ से हो जाएगा जुगाड़, लेकिन यार रिकॉर्डिंग ही अलाउ नहीं है। इनके बगल वाला ट्रेन रेस्टोरेंट ओपन है, वहाँ जाते हैं। मैं स्पेशली इसी के लिए आया हूँ भाई, म्यूजियम वगैरह ऑलरेडी मैंने घुमा है, टॉय ट्रेन राइड भी मैंने लिया हुआ है। बाकी देख लो ऐसा ही है, ज्यादा बड़ा जगह नहीं है, इतना ही है, लेकिन हाँ
ये सबसे मेन था अंदर में, पैलेस ऑन व्हील्स दिखाना था आप लोगों को। अंदर नहीं जा सकते ना, देखो ना कोई जुगाड़ लगाओ ना, सोर्स लगाओ ना थोड़ा तुम लोग। तो लॉक करके रखा हुआ है, चलो कोई नहीं, बाहर एक दो फोटोज वगैरह ले लेते हैं। वैसे ना यहाँ पे आप, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, स्कैन करके ना आप इन सभी लग्जरी ट्रेन के बारे में भी जान सकते हो, लाइक महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील्स, इन सब के बारे में जान सकते हो। ये टॉय ट्रेन देख लो, ऐसे ही कुछ टॉय ट्रेन होता है। वैसे हमारे हावड़ा में भी एक रेलवे म्यूजियम है, उधर भी मैं गया हूँ, लेकिन हाँ प्रॉपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, एक बनाया था मैंने बहुत पहले, माननीय महाप्रबंधक श्री चंद्रवीर रमण द्वारा दिनांक इतने तारीख को किया गया था, ये हाल फिलहाल ही किया गया था एक साल पहले। लेकिन ये जाने नहीं देता क्या अंदर में यार, कहाँ जाने देते, मेरे को देखना था ये अंदर से। वैसे यहाँ पे देख लो एसी हेरिटेज कोच रेस्टोरेंट है, चलो अंदर जाते हैं थोड़ा बैठते हैं फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। वैसे बाहर भी बैठ सकते हो आराम से। अच्छा भैया वो पैलेस ऑन व्हील्स क्या बंद ही रहता है क्या? जी सर। उसको खुलता नहीं है क्या कभी? नहीं वो अधिकारियों के लिए। तो वो मतलब कभी खुलेगा नहीं क्या? हम तो सोच रहे थे वो रेस्टोरेंट के लिए था वो। अभी हम लोग अंदर तो आ गए और अंदर का एम्बियंस देख लो, ये एक्चुअल में कोच है, मैं बता दूँ ये रियल कोच है, ऐसा नहीं कि इसको बनाया गया है। अरे बाप रे बाप, गलत चीज ऑन हो गया था फैन। बाकी कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, यही सब मेन्यू है इनका, हिंदी में मेन्यू है भाई, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो किसका क्या रेट है। लास्ट टाइम याद है अनुभव हम लोग कहाँ बैठे थे? वो हमें यहाँ पे बैठा था, बाकी हम लोग इसी सीट में बैठे थे। चलो कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर करते हैं क्योंकि रात में प्लान हो रहा है मासी के साथ भी डिनर करने के लिए जाना है, उस हिसाब से ही खाना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ ऑर्डर कर रहे थे तो यहाँ पे देख लो लस्सी, गर्मी के मौसम में काफी, जाड़े के मौसम में। अभी जाड़े का मौसम है तो कॉफ़ी मंगाते हैं। ये देख लो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि हमें रात में जाना है ना खाने के लिए, इसलिए ये हाफ प्लेट मोमो और ये हाफ प्लेट चाउमीन ले लिया है। और लास्ट टाइम भी मैंने चाउमीन ही ऑर्डर किया था भाई, कॉफ़ी भी सबके लिए ऑर्डर हुआ है, कॉफ़ी आता तब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई देखते हैं इनका चाउमीन कैसा है, लास्ट टाइम तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, अभी देखते हैं कैसा है। भाई मेरे को लग रहा है ना जिस शेफ़ ने उस टाइम चाउमीन बनाकर दिया था वो शेफ अभी भी है। चलो भाई पकड़ के लाते हैं उनको। भाई एग्जैक्टली वही टेस्ट है भाई जो मैंने पता नहीं कितने साल पहले मैंने खाया था, अभी भी सेम वही टेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे मोमोज भी है, ठीक है ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते, अच्छा है। और ये देखते देखते अपना कॉफी भी आ चुका है, कॉफी देखकर तो अच्छा लग रहा है। तो हाँ खाना पीना यहाँ का बहुत अच्छा है, अभी हम लोग इंजॉय करते हैं फिर निकलना भी है फटाफट हम लोग को यहाँ से। खाना पीना खाकर अभी हम लोग आ गए बाहर, हम लोगों से मेरा मतलब है मैं और लवली, भाई लोग एक काम से ले गया है, वो लोग थोड़ी देर में ज्वाइन करेगा हमें दूसरे जगह में, वो आप अलग से वीडियो देख लोगे। फिलहाल चलो एक काम करते हैं थोड़ा म्यूजियम क्या ही आपको अच्छे से घुमाऊं, वो जो लग्जरी ट्रेन था ना उसको यार काश खोल देते अंदर से मैं दिखा पाता आप लोगों को। बाकी रात का देख लो कुछ ऐसा माहौल है, ये टॉय ट्रेन है, अंदर की तरफ देख लो बच्चों के लिए ना झूला वगैरह भी लगा हुआ है, अगर आप बच्चों के साथ, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा ये कोई ट्रैवलिंग स्टीम क्रेन है, वैसे ये जो क्रेन आपको दिख रहा है ना स्टीम क्रेन, इसको इटली में बनाया गया था, यहाँ पे आप देख पाओगे कहीं लिखा होगा, ये देखो है ना यहाँ पे इटली, ऐसे हर ट्रेन के कोच में लिखा रहता है वो ट्रेन कहाँ पे बना है क्या, सोचो इसको इटली से लेकर आया गया है। और भी अंदर ऐसे ऐसे बहुत इंजन रखा हुआ है, कोचेस रखे हुए हैं, एक कोचेस में तो हम लोग अभी खाना खाने ही गए थे। वैसे तो आपने बहुत सारे रोड रोलर देखे होंगे लेकिन पुराने जमाने में स्टीम रोड रोलर भी हुआ करता था, ये पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, ये देख लो ये स्टीम रोड रोलर है, इसको लाया गया इंग्लैंड से, वो भी 1958 में ये बना था स्टीम रोड रोलर। वैसे इसमें कोल कैपेसिटी था 100 kg का भाई साहब, और अगर मैं इसके वजन की बात करूँ ना ये 6 टन का रोड रोलर है, अभी वाला तो शायद इससे भी ज्यादा भारी होता होगा। वैसे ये जो आपको दिख रहा है ना लोको, ये चितरंजन में बना हुआ है, अपने वेस्ट बंगाल चितरंजन में, ऐसे ऐसे आपको अंदर में बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग जगह है। वैसे सामने की तरफ देख लो रेल म्यूजियम भी है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे इसके। और ये जो सामने की तरफ आपको इंजन दिख रहा है ना ये लॉर्ड लॉरेंस इंजन है और इसको लंदन में बनाया गया था मैं बता दूं। वैसे अंदर में देख लो हर टाइप का ना कोच का एक मॉडल बनाया गया है, जैसे कि ये मॉडल ऑफ एसी चेयर कार है ऐसा हुआ करता है, देख लो एसी चेयर कार। ये मनकापुर रेलवे स्टेशन पहले ऐसा था देखो, अभी सबको ना नया नया पेंट किया गया है, वो पेंट का स्मेल आ रहा है अंदर से। वैसे आपको पता है 1862 में अपने इंडिया में पहला डबल डेकर कोच 1862 में यूज किया गया था। और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, अच्छा है रेल म्यूजियम आप आ सकते हो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये सब देख लो पहले का ईट है जो की 1890 में बनाया गया था, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 1890, अभी के जैसे ही लग रहा है ये तो। बाकी 1900 में भी बनाया गया है, 1896 में। रेल म्यूजियम के बाद अभी हम लोग आ गए थे होटल, अभी फटाफट देख लो वापस से चेंज कर लिए हैं, जा रहे हैं कोई रंगरेजा रेस्टोरेंट है भाई, उसके लिए काफी लोगों ने रिकमेंड करा था मुझे कि मोहित भाई रंगरेजा जाओ, वही अभी मैंने एक ना स्टोरी डाला था अपने इंस्टा में कि बताओ बढ़िया बढ़िया कौन सा जगह जा सकते हैं, जिसमें रेल म्यूजियम काफी लोगों ने बोला था, रंगरेजा बोला था, गोरखनाथ मंदिर तो वैसे ही मुझे जाना ही था,
तो वो सब ऑलरेडी कवर कर लिया है मैंने, क्रूज भी कवर कर लिया है और आज जा रहे हैं रंगरेजा। अभी पता नहीं अंदर व्लॉग बना पाएंगे कि नहीं, देखते हैं जितना हो सकेगा बनाएंगे वीडियो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। वैसे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देख लो रंगरेजा के पास, और मैं बता रहा हूँ रंगरेजा यहाँ पे शायद दो है, एक दूसरा कहाँ है पता नहीं। ये जो है वेस्ट साइड जो है ना वहीं पे है, काफी बढ़िया रेस्टोरेंट है ये रंगरेजा। यहीं पे मासी भी आ रही है तो यहीं आज हमारा होगा मस्त फैमिली डिनर। पता नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्लॉग ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट का रिव्यू तो अपने साइड से दे ही देंगे किस टाइप का है। और एक चीज बहुत अच्छा हुआ, अभी हम लोग आ रहे थे ना हमारे पास एक रुपए कैश नहीं है, अभी सब मतलब वही आपका ऑनलाइन मतलब इधर उधर कैश लग जा रहा है, ऑनलाइन बहुत कम लोग ले रहे हैं ना, तो इसलिए सारा कैश ही निकल गया हमारे पास, तो अभी एटीएम से निकालना पड़ेगा। तो एक ऑटो वाले भैया थे उनको मैंने बोला भैया हमें रंगरेजा छोड़ दो, हमारे होटल से पास में ही है, 2 किलोमीटर के आसपास होगा। मैं बोला उनको भैया ऑनलाइन लेते हैं, हमारे पास कैश नहीं है। बोले आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सामने ही है, हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको छोड़ देते हैं। हम बोले यार ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, बाकी चलो चलते हैं अंदर। यही है देख लो रंगरेजा। चलो जी अभी हम लोग आ गए हैं रंगरेजा में, हम लोगों से मेरा मतलब है देख लो अनुभव तो है यहाँ पे। आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ बहुत ही खास पर्सन से, चलो रेडी हो आप लोग। ये प्रतीक्षा और ये रही मेरी मासी। अब बताओ मेरी मासी का फेस मिल रहा है ना मेरी मम्मी से एकदम, और मेरा भी फेस मिलता है लवली, हमेशा बोलते हैं हम लोग का सबका फेस मिलता है। नहीं नहीं मेरा फेस भी बहुत लोग बोला है कि मासी से मिलता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग बताना। हाँ हम लोग का फैमिली मतलब एक जैसा ही फेस थोड़ा बहुत कट सब मिल जाता है सबका। फिलहाल अभी हम लोग रंगरेजा में आ गए हैं, काफ़ी लोगों का रिकमेंडेशन था यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब आकर ना बहुत कुछ हम लोगों ने ऑर्डर किया। देखो ज़्यादा ब्लॉग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फैमिली डिनर में मैं आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मंगा लिया हम लोगों ने मसाला पापड़, चलो इसको खाते हैं फिर पता नहीं बैक टू बैक क्या क्या आएगा, सब एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये आ गया देख लो यहाँ का फेमस मटकी पनीर भाई, मतलब ये रंगरेजा स्पेशल है, साथ ही तंदूरी रोटी तो है, और भी कुछ कुछ ऑर्डर किया हम लोगों ने, खा लेते हैं उसके बाद बताएंगे। वैसे दही कबाब कैसा था मासी, कैसा लगा दही कबाब, अच्छा था ना अनुभव कैसा था? देख लो यही होता है भाई, सब कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, शर्मा शर्मा के सब रिव्यू देना, खा लेते हैं बाद में सबसे सबका रिव्यू लेंगे भाई। यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया है और हम लोगों ने दो चीज़ ऑर्डर किया था, मटकी पनीर है ना भैया, हाँ मटकी पनीर और बकरे की नखरे। तो बकरे की नखरे का रिव्यू अनुभव करेगा, अनुभव कैसा था? अच्छा था, सॉफ्ट था थोड़ा, मतलब बटन बहुत बड़ी बहुत अच्छा, तुम्हारे पापा से ज़्यादा अच्छा बनाया गया था? नहीं समझ गया। मौसा जी बहुत बढ़िया बनाते हैं, मौसा जी अभी घर पे नहीं है अपने काम में बिजी है, नहीं तो उनके हाथ का रेसिपी जरूर शेयर करवाते हैं आप लोगों से, बट कोई नहीं। बाकी बढ़िया लगा ना अनुभव, और पनीर तो खैर हम लोगों ने खाया जबरदस्त था। मौसी कैसा लगा? अच्छा था। और यहाँ पे देख लो डेजर्ट आ चुका है लवली का, यहाँ पे जलेबी भी मिल गया, और क्या चाहिए। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो तो बेस्ट जगह है रंगरेज। बिल मैं दिखा दूंगा टोटल कितने का बिल आया, और अंदर में लोग बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। मस्त लवली जलेबी कैसा है? बढ़िया है, जबरदस्त जबरदस्त, खाने से अच्छा मेरे को ये लग रहा है भाई, आधा प्लेट खत्म कर दिया देख लो। बाकी यहाँ पे अपना गाजर का हलवा आ चुका है, वो भी गर्मा गर्म, देखकर ही अच्छा लग रहा है, या तो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, और ठंड के टाइम में ऐसा गर्मा गर्म गाजर के हलवा मिल जाए ना और क्या ही कहने। वैसे हम लोग खा के निकल चुके हैं और यहाँ पे देख लो काफी सारे सेलिब्रिटीज आए, सेलिब्रिटीज में तो वैसे हमें रवि किशन ज्यादा दिख रहा है, और भी बहुत लोग है देख लो भाई साहब, फेमस प्लेबैक सिंगर जस मानक भी आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा है भाई खाना वाकई में इनका बहुत अच्छा लगा, स्टाफ भी यहाँ का सब बहुत अच्छा लगा, सही बात है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देता कि मतलब कि चलो आपका खाना हो गया निकलो अब यहाँ से। और यार यहाँ पे क्या फोटो आ रहा है ये। चलो खाना पीना खाकर तो हम लोग आ गए हैं, और एक बात बोलना पड़ेगा, खाना खाकर बहुत ही मजा आया, जिस हिसाब का फूड क्वालिटी था मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्राइस मेरे को ठीक लगा, ये नहीं बोलूंगा कि भाई थोड़ा अच्छा जगह है तो पैसा भी बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं पैसा ठीक है, मतलब जिस हिसाब का रेस्टोरेंट है उस हिसाब से ठीक है, फोटोजेनिक जगह है, और यही नहीं कि बस फोटोजेनिक है, खाना भी बहुत अच्छा है वहाँ का। जब भी आप लोगों का ऐसा कुछ प्लान बने गोरखपुर में फैमिली गेट टुगेदर का, या फिर ऐसे कभी मिलकर जाना हो आपको, सिर्फ फैमिली नहीं कपल में भी हो ऐसे भी अगर कभी जाना है जा सकते हो, खाना बहुत बढ़िया है। दो चीज मैं रिकमेंड करूंगा वेज वालों के लिए, उनका मटकी पनीर, और नॉन वेज वालों के लिए बकरे की नखरे, और बाकी राइस एंड रोटी वो आपका प्रेफरेंस रहेगा देख लेना, बाकी ये दो आइटम वहाँ का बहुत स्पेशल और फेमस आइटम है। और एक चीज हम लोगों ने मंगाया था जो मैंने नहीं दिखाया वीडियो में, दही के कबाब, दही के कबाब जरूर ऑर्डर करना भाई, वो तो एक नंबर था। बाकी यही था आज के वीडियो में, होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra.